हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के मैथ एंड साइंस क्लासेस में। तो हम पिछले तीन वीडियो में आपको आवर्त सारणी बताए थे, आज हम लाए धातु, अधातु और उपधातु और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तत्व, जो भविष्य की धातु किसे कहते हैं, रणनीतिक धातु किसे कहते हैं, भविष्य का इंधन किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु में अंतर। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं धातु और अधातु में अंतर। तो देखते हैं सबसे पहला गुण के आधार पर देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बताया गया किस वर्ग में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां हम देखते हैं धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन का एक दो तीन, समांतर क्या होता है एक दो तीन होता है, अपवाद में आपका हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है और हीलियम का दो, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं अधातु होते हैं। और अधातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन समांतर कितना होता है पांच छह सात, अर्थात अधातु के बाहरी कक्षा में क्या होता है पांच छह सात इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और अक्रिय गैसों में आठ, अक्रिय गैसों के उसमें बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम में दो ही होंगे। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे, अठारह के तत्व होते हैं और हीलियम में दो होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आयन के दर पे, धातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या करता है किसी को देकर क्या करता है धन आयन बनाता है, अर्थात धातु कहते हैं विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक धन आयन को कह सकते हैं। और अधातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है ऋण आयन बनाती है, इसलिए धातु अधातु कहते हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब हम देखते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन का त्यागना, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागते उसे प्रक्रिया कहलाता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण और जो त्यागता है वो क्या होते हैं अवकारक होते हैं। तो समानता धातु ही क्या होते हैं अवकारक होते हैं और सबसे प्रबल अवकारक होता है लिथियम। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है अवकरण और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। और सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन। अब नेक्स्ट देखते हैं धातु ऑक्साइड, तो क्या होते हैं ऑक्साइड देखेंगे, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, अपवाद में देखेंगे क्रोमियम ऑक्साइड जो कि अम्लीय होते हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये सभी उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, मतलब अम्ल के तरह अम्ल के साथ क्षारक की तरह और क्षारक के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। एल्युमिनियम, जिंक और लेड ऑक्साइड ये तीनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और हम देखते हैं अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं अम्लीय होते हैं, अपवाद में याद रखेंगे H2O यानी जल और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों उदासीन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अम्ल से अभिक्रिया, तनु अम्ल से अभिक्रिया करके धातु क्या करता है लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तनु अम्ल से अभिक्रिया करके धातु क्या करता है धातु प्लस अम्ल क्या होगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी धातु क्या करता है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। और क्या होता है समानता जो अधातु होते हैं वो तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं विद्युत चालकता गुण, तो धातु समानता क्या होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, अपवाद में आपका सीसा जो क्या होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। और क्या होते हैं अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, अपवाद में आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु होते हुए क्या है विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखते हैं हम भौतिक अवस्था, तो समानता क्या होते हैं धातु क्या होते हैं ठोस होते हैं, अपवाद में मरकरी यानी पारा क्या होते हैं द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। और अधातु क्या होते हैं समांतर ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं, तो ठोस अवस्था में रहने वाला जो है कार्बन फॉस्फोरस सल्फर और आयोडीन और द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है ब्रोमीन और गैसीय अवस्था में रहने वाला 11 जो 11 अधातु है क्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और 6 अक्रिय गैस, वर्ग 18 में बताए थे अक्रिय गैस तकनीक, तो 6 अक्रिय कुल मिला के 11 गैसीय अवस्था में और कुल मिला के 22 अधात्विक तत्व होते हैं 22 अधात्विक तत्व। नेक्स्ट देखते हैं आघात वर्ज्यता एवं तन्यता, धातु क्या होते हैं आघात वर्ज एवं तन्य होते हैं। आघात वर्ज्यता का अर्थ होता है धातु को पतली चादर के रूप में खींचना, चादर के रूप में खींचना कहलाता है आघात वर्ज्यता और तार के रूप में खींचना, पतली तार के रूप में खींचना कहलाता है तन्यता।
और सबसे अधिक आघात पर्जन्य होता है सोना, सबसे अधिक आघात पर्जन्य धातु होती है सोना। और अधातु क्या होते हैं, कठोर एवं भंगुर होते हैं, अर्थात अधातु को क्या हुए पतली चादर के रूप में खींचा नहीं जा सकता, उसे क्या होगा पीटने पर टूट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वथनांक, द्रव्यमान तथा घनत्व। समानता क्या होते हैं, धातु के क्वथनांक, द्रव्यमान और घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं और अधातु के निम्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक धातु के उस गुण को कहते हैं जिसे क्या होते हैं धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है, उसे कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस। तो धातु क्या होते हैं, ध्वनिक होते हैं और अधातु नहीं होते हैं। धात्विक चमक, तो धातु में क्या होती है, चमक होती है, जिसे हम कहते हैं धात्विक चमक। और धातु में धात्विक चमक होती है और अधातु में नहीं होती है। अपवाद में देखेंगे आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या है, अधातु होते हुए इसमें क्या होती है, चमक होती है। आगे हम देख लेते कुछ धातु का उदाहरण। एस ब्लॉक बताए थे आवर्तसारणी में, एस ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं आपका, धातु होते हैं। अपवाद में आपका हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम बल 18 और हाइड्रोजन बल 1 का तत्व है। बल 18 समानता जो तत्व होते हैं पी ब्लॉक, लेकिन हीलियम क्या है एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। बल 1 के जितने भी तत्व होते हैं क्षारीय धातु, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी धातु होते हैं। बल 2 में क्षारीय मृदा धातु, ये सभी धातु ही होते हैं। डी ब्लॉक जितना भी एलिमेंट होता है वो धातु ही होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट अंतर संक्रमण धातु है। और पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एल्युमिनियम, सीसा, टीन, गैलियम, पोलोनियम, थैलियम और बिस्मथ, ये क्या पी ब्लॉक के धातु है। समानता पी ब्लॉक में अधातु और उपधातु होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक की ये महत्वपूर्ण धातु है, एल्युमिनियम, सीसा, टीन, गैलियम, पोलोनियम, थैलियम और बिस्मथ। अब देखते हैं पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में अब बाद आपका जो है क्या एच तथा एच ई क्या है एस ब्लॉक में आते हैं। समानता जितने भी उपधातु अधातु होते हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। अब बाद में क्या हाइड्रोजन तथा हीलियम जो कि एस ब्लॉक में आते हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं उपधातु, सात उपधातु आधुनिक आवर्तसारणी में मेटलॉइड्स देख लेते हैं, बोरोन, सिलिकॉन। तो सात जो उपधातु देखते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटिन, ये सात उपधातु हैं। तो कुल मिलाकर क्या 22 औधात्मिक तत्व हैं, 22 औधात्मिक जिसमें उपधातु को भी रखा गया, तो 22 औधात्मिक तत्व हैं, शेष जितने भी हैं वो क्या है धात्विक तत्व हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम धातु, उसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण, सबसे भारी धातु, सबसे मजबूत, सबसे हल्का, सफेद सोना जितना है वो सब आगे हम देखते हैं। हम देखते हैं धातु और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण गुण, तो गुण विशेष के आधार पर कुछ धातु देखते हैं। तो सबसे हल्की धातु क्या होता है, लिथियम। सबसे हल्की धातु और सबसे प्रबल अपकारक बताए थे और इसका क्रमांक होता है 3। और सबसे भारी धातु, धातु यहां पढ़ रहे हैं धातु या तत्व नहीं, तो सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम, ओस्मियम OS क्रमांक होता है 76। और सबसे मजबूत धातु होता है टंगस्टन, W संकेत होता है और क्रमांक होता है 74। और टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के तंतु अर्थात फिलामेंट के बनाने में प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु को बनाने में क्या होता है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस बहुत ही अधिक होता है, इसलिए क्या होता है टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बनाने में किया जाता है। अब हम देखते हैं सबसे कठोर और सबसे कठोर धातु या सफेद सोना, तो इसे प्लेटिनम को सबसे सफेद सोना कहा जाता है और ये सबसे कठोर धातु होते हैं और क्रमांक होता है आपका 78। आगे हम देखते हैं आशा धातु या सफेद कोयला किसे कहा जाता है, या परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है, यूरेनियम का क्रमांक होता है आपका 92। आशा धातु, सफेद कोयला और परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं चाकू से काटा जाने वाला या किरोसिन में संग्रहित जो धातु होते हैं, चाकू से काटा जा सकने वाला अर्थात मुलायम धातु और केरोसिन में संग्रहित करने वाला है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तथा अन्य क्षार धातु। क्षार धातु बताए थे वर्ग 1 के तत्वों को होते हैं क्षार धातु। तो क्या होते हैं चाकू से काटा जा सकने वाला सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और इन्हें क्या होता है अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसके कारण क्या होता है खुले में क्या होगा स्वतः आग पकड़ लेगी, इससे बचने के लिए क्या होता है इसको केरोसिन में रखा जाता है।
अब देखते हैं वायु यान के निर्माण में पैलेडियम धातु का होता है प्रयोग, इसका क्रमांक था 46। और हाथ पर रखने पर पिघलने लगता है, मतलब क्या होता है कमरे के ताप पर होता है ठोस, लेकिन जब हाथ पर लेते हैं क्या होता है पिघलने लगता है। यह गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये तीनों धातु क्या होते हैं हाथ पर रखने पर पिघलने लगते हैं। आगे हम देखते हैं भविष्य की धातु या रणनीतिक धातु या आश्चर्य की धातु। भविष्य की धातु, रणनीतिक धातु या आश्चर्य की धातु, इन सभी क्या टाइटेनियम को ये सभी कहा जाता है। रणनीतिक होता है स्ट्रेटेजिक और आश्चर्य होता है वंडर, स्ट्रेटेजिक मेटल या वंडर मेटल क्या होता है टाइटेनियम को कहा जाता है, जिसका क्रमांक होता है 22। अब देखते हैं हम स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले धातु या आसानी से संचारित नहीं होने वाली धातु, तो यह था सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर। कॉपर स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है और अयस्क के रूप में भी पाया जाता है, और यह तीनों क्या होता है स्वतंत्र अवस्था में खास करके पाया जाता है। और क्या होता है सोना आसानी से संचारित नहीं होते हैं और सबसे अधिक आघात वर्ध एवं तन्य होते हैं सोना। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अब नेक्स्ट देखते हैं द्रव धातु, बताए थे धातु समान्तर ठोस होता है, लेकिन द्रव धातु जिसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं, लिक्विड सिल्वर भी कहते हैं, ब्लैक सिल्वर भी कहते हैं, सफेद लैंप में इसका प्रयोग होता है और थर्मामीटर में भी इसका प्रयोग होता है। ये आपका मरकरी HG यानी पारा, जिसका क्रमांक होता है 80। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जीवन रक्षक धातु। जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं, तो रेडियम, बल 2 के तत्व है रेडियम, जिसे क्या कहते हैं जीवन रक्षक धातु कहता है, इसका क्रमांक होता है 88। हम देखते हैं अब फिर से आगे आभूषण बनाने में क्या होता है सोना, चांदी और प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत का सर्वोत्तम चालक, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी, जिसका क्रमांक होता है 47, और उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है कॉपर, जिसका क्रमांक होता है 29। अब नेक्स्ट देखते हैं हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व, तो हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है, जिसका क्रमांक होता है 20। तत्व ने धातु और तत्व में देखेंगे तो फॉस्फोरस भी हड्डियों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ धातु है तो कैल्शियम। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में जलने वाला, हम जानते हैं समान्तर कोई भी पदार्थ कहता है ऑक्सीजन में जलता है, लेकिन कुछ एक जिर्कोनियम ऐसा भी पदार्थ है जो क्या होता है नाइट्रोजन में भी जलता है और ऑक्सीजन में भी, तो जिर्कोनियम का क्रमांक होता है आपका 40। अब देखते हैं परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में, तो परमाणु रिएक्टर में जो नियंत्रक क्षार होता है कैडमियम का प्रयोग, और कैडमियम का क्रमांक होता है 48। और बोरोन उपधातु है, बोरोन जिसका क्रमांक 5 है, इसका भी प्रयोग क्या होता है नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। आगे हम देखते हैं परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में, तो यूरेनियम 238 समस्थानिक का और थोरियम 90 का भी प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में। नेक्स्ट है सबसे अधिक 27 समस्थानिक वाला धातु, तो ये पोलोनियम है, जिसके सबसे अधिक 27 समस्थानिक होते हैं, क्रमांक होता है 84। हम देखते आगे रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने में क्या होता है कोबाल्ट 60, यानी कोबाल्ट का 60 समस्थानिक है, 27 क्रमांक होता है, इसका प्रयोग क्या होता है रक्त कैंसर में। आगे देखते हम आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण, जो 56 क्रमांक होता है जिसका, चटक लाल यानी तीखा लाल जो होता तेज लाल वो होता है स्ट्रोनियम के कारण, और स्ट्रोनियम का क्रमांक होता है 38। और लाल रंग जो होता है ये होता है लिथियम के कारण, और लिथियम का क्रमांक होता है 3। और पीला रंग या पीला लैंप में किसका प्रयोग होता है सोडियम धातु का, जिसका क्रमांक होता है 11। लेकिन जब लाल रंग दे दे उसमें क्या होगा चटक लाल रंग मतलब होगा स्ट्रोनियम, लाल होगा आपका लिथियम, ये चीज ध्यान रखने योग्य है। अब हम देखते हैं ये धातु जो धातु से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, अब हम देखते हैं अधातु यानी नॉन मेटल। अब देखते हैं हम अधातु और उसके गुण और उसका उपयोग, तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन, जिसका क्रमांक 1 होता है, ये सबसे हल्की गैस है और आवर्त सारणी में सबसे हल्की तत्व भी है, सबसे हल्का जो तत्व है हाइड्रोजन और सबसे हल्की गैस भी क्या है हाइड्रोजन है, और ये अम्लों का आवश्यक तत्व है, अर्थात क्या होगा कोई भी अम्ल हो उसमें हाइड्रोजन आवश्यक है। आगे देखते हैं रॉकेट ईंधन में, रॉकेट के ईंधन में क्या होता है हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, और भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और हाइड्रोजन देखेंगे हम पढ़ाते हैं परमाणुता,
हाइड्रोजन समानता क्या होता है, दो द्वि परमाणु होते हैं। अब लेते हैं दूसरा कार्बन, कार्बन परमाणु संख्या छह, ये क्या होता है चतुसंयोजकता होते हैं, मतलब क्या कार्बन की संयोजकता चार होती है, ये क्या होते हैं इसमें श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है, श्रृंखलन गुण जिसके कारण क्या होता है सबसे अधिक यौगिक बनाता है कार्बन। अब देखते हैं जीवाश्मी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, समस्थानी क्या तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन क्रमांक होता है सात और इसी क्या विशेषता त्रिबंध, दो नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, द्वि परमाणु क्या होता है दो नाइट्रोजन परमाणु है, रंगहीन होते हैं, ये गंधहीन होते हैं और स्वादहीन होते हैं, अर्थात इसमें ना रंग होता है ना गंध और ना ही स्वाद, और ये प्रतिऑक्सीकारक होते हैं जिसके कारण क्या होता है इसका प्रयोग चिप्स के पैकेट में क्या होता है प्रयोग किया जाता है ताकि चिप्स जल्दी ही उपचयन होकर खराब ना हो। आगे हम देखते हैं ऑक्सीजन क्रमांक है आठ, तो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं पदार्थों के जलने में, कोई भी पदार्थ जब जलेगा अर्थात क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर ही कोई पदार्थ जलेगा, और श्वसन में यानी जानते हैं सांस लेने के लिए क्या होता है हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं फॉस्फोरस यानी क्रमांक 15 होता है, तो लाल फॉस्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है, और श्वेत फॉस्फोरस चूहा मारने वाला बीज जो होता है जिंक फॉस्फाइड उसको बनाने में क्या होता है श्वेत फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है, और श्वेत फॉस्फोरस को पानी में डुबो कर रखा जाता है P4। याद रखेंगे सफेद फॉस्फोरस क्या होता है सुरक्षित रखने के लिए पानी में डुबो कर रखा जाता है। आगे से हड्डियों में पाया जाने वाला और धातु है ये नहीं क्या होता है खासकर हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, तो कैल्शियम धातु था और फॉस्फोरस और धातु है। हम नेक्स्ट देखते हैं सल्फर क्रमांक 16, सल्फर को एक गंधक भी कहा जाता है, इसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, और रबर के बल्कनीकरण में ये महत्वपूर्ण है रबर के बल्कनीकरण में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं क्लोरीन क्रमांक 17, तो विरंजक चूर्ण बनाने में बताए थे क्या होता है विरंजक चूर्ण बनाने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जब हम शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं क्या होता है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और इसका प्रयोग क्या होता है जल को रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है जो क्लोरीन के कारण होता है, कपड़ों के रंग उड़ाने के लिए या कागज के रंग उड़ाने के लिए भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व भी क्या है क्लोरीन है जो वर्ग 17 के हाइड्रोजन से संबंधित है। आगे हम देखते हैं आयोडीन क्रमांक 53 है, और टिंचर आयोडीन बनाने में प्रयोग किया जाता है, टिंचर आयोडीन होता है एंटीसेप्टिक होता है जो घाव पर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और आगे इसका रेडिएशन को खतरा कम करने में भी आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, और घेगा रोग के उपचार में भी आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं ऑक्रिया गैस यानी वर्ग 18 गैस हीलियम क्रमांक 2 होता है, और सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम सबसे हल्की निष्क्रिय गैस है, हवाई जहाज के टायर में भरने में प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयोग ऑक्सीजन के साथ मिला के यानी जब क्या समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो क्या होगा ऑक्सीजन हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण क्या होता है वो कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयोग किया जाता है, या किसी को जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो कृत्रिम श्वसन में क्या होता है ऑक्सीजन और हीलियम को साथ मिला के दिया जाता है, और क्या होता है ये सबसे हल्की नहीं है हाइड्रोजन क्या हीलियम से भी हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है क्रियाशील तत्व है इसलिए क्या होता है हाइड्रोजन की जगह हीलियम को क्या होता है हवाई जहाज के टायर के भरने में वरीयता देते हैं। आगे हम देखते हैं आर्गन क्रमांक 18, इसका प्रयोग होता है विद्युत बल में नाइट्रोजन के साथ, जब विद्युत बल में जाता है नाइट्रोजन के साथ क्या होता है आर्गन का प्रयोग, और ट्यूबलाइट में पर जो क्या पारा आयस वाष्प यानी मरकरी वाष्प के साथ भी क्या होता है आर्गन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्रिप्टन क्रमांक 36, तो विद्युत विसर्जन में फोटोग्राफी में और लेजर बनाने में क्या होता है क्रिप्टन का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं जेनोन क्रमांक 54, ये इसे अपरिचित गैस कहते हैं स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है यानी अपरिचित गैस स्ट्रेंजर गैस यौगिक बनाने वाला एकमात्र निष्क्रिय गैस,
तो क्या है, जेनोन एकमात्र यौगिक बनाने वाला क्या है, निष्क्रिय गैस है, समानता निष्क्रिय गैस यौगिक नहीं बनाता। अब हम देखते हैं रेडोन क्रमांक 86, सबसे भारी अक्रिय गैस है रेडोन, वायुमंडल में ये नहीं पाया जाता। सीएस जो भी अक्रिय गैस है वो खुले वायु में पाया जाता है, लेकिन रेडोन अक्रिय गैस है जो कि वायु में खुले में नहीं पाया जाता। और कैंसर के इलाज में जो होता है रेडोन जो अक्रिय गैस है इसका प्रयोग किया जाता। अब हम देखते हैं कुछ उपधातु, उपधातु जैसे देखेंगे सिलिकन, इसका प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। सौर प्लेट होता है उसमें सिलिकन का प्रयोग किया जाता है, और होता है एंटीमनी, एसबी एंटीमनी, जिसका प्रयोग तो एसबी इसका निर्माण, इसका उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। ये दोनों क्या आपका उपधातु है, उपधातु यानी मेटालॉइड। केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ रहे थे तत्व, तत्व में हम पढ़े आवर्त सारणी, धातु अधातु और उपधातु। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लाएंगे महत्वपूर्ण यौगिक, उसका अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, या किसी यौगिक का सूत्र कैसे लिखा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, ये सभी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको क्या होगा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। और साथ ही एक हमारा दूसरा चैनल है SPL डिजिटल क्लब, SPL डिजिटल क्लब, जहां पर आपको क्या होगा आर्ट यानी क्या होगा हिस्ट्री, भूगोल और ज्योग्राफी, भूगोल यानी ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।